रिकॉर्डिंग तो 2 दिन से नहीं डाला, वो ट्रैवलिंग कर रहा था ना। डाल देना यार याद से। हाँ कैसे देखो बेटा, क्वेश्चन सिंपल, फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू दिस। देखो सबसे पहले होता है कि जब अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले थिंक अबाउट द पॉइंट। हम लोग सबसे पहले पॉइंट के बारे में सोचते हैं, तो लेट दैट पॉइंट एच कॉमा के। अच्छा वो नॉर्मल पे भी होगा कर्व पे भी होगा, तो पहली बात तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो के इज इक्वल टू एच क्यू प्लस टू एच प्लस सिक्स। हमेशा वही इक्वेशन को बार बार कर रहा है, इक्वेशन वन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो हमको एक डिफरेंशिएशन करके इसका स्लोप निकालना पड़ेगा बेटा। जैसे आपने डिफरेंशिएट करोगे स्लोप निकालोगे तो क्या आ गया बेटा इसका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, है ना। बट स्लोप तो गिवन है, स्लोप क्या दे रखा उसने, तो बेटा फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व दिस विच इज विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो अब ये जो लाइन है एक्स प्लस फोर्टीन y plus 4, इसका स्लोप और हमारा स्लोप विल बी सेम, तो इसका स्लोप क्या होगा सर ने, माइनस a बाय b, यहाँ स्लोप क्या होगा माइनस 1 अपॉन 14। तो हमने क्या किया देखोड़ा, 3x square plus 2 is equal to minus 1 upon 14, yes अनोड़ा। तो x square की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस 29 upon 14, yes बेटा। अरे वो थ्री को इस साइड ले जाओगे ना तो 42। अच्छा अभी तो अब इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर है और ये नेगेटिव है। हाँ बेटा नॉट पॉसिबल, पॉसिबल स्लोप जो है वो नॉट पॉसिबल। यस सर, यस यस सर। हाँ तो तुम लोगों ने क्या गड़बड़ करी बेटा, यही है नहीं गड़बड़ क्या करी देखो बेटा, ये तो स्लोप था टेंजेंट का। अच्छा नहीं 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 उसने सॉरी 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 सही है सही है सही है, माइनस वन अपॉन 14। ये तो स्लोप था टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अरे यस सर नो, ये तो टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है माइनस 1 अपॉन डिवाइड बाय dx, तो माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। अरे यस सर नो, यस माइनस 1 अपॉन 14, तो माइनस माइनस कैंसल, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। गेटिंग एवरीबॉडी, आप लोग ऐसे मिस्टेक एग्जाम में करोगे इसलिए याद रखना, मैंने एक बार करके उसको बताया आपको। ये नॉर्मल में माइनस 1 अपॉन डिवाइड बाय x आता है और इसने क्या बोला क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो नॉर्मल पैरेलल है ना, तो नॉर्मल x इक्वल टू 2 आ गया। तो एक अरे यस और नो, यस यस प्लस माइनस 2, एच इज इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस 2, के की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस 2 क्यूब प्लस 3 प्लस माइनस 2 प्लस 6। तो ये क्या हो गया देखो बेटा, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 6 और प्लस 6। एक वैल्यू प्लस 2 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है माइनस 2, तो प्लस 2 आ रही तो 8 और 4 12 कितना हो गया 20 और दिस इज माइनस 8, तो देयर 2 पॉइंट्स। यस अब उसने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी अपने से, है ना बेटा, बहुत सिंपल है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई बेटा, है ना, वाई माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन डिवाइड बाय dx, तो x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डिवाइड dx, कितना हो रहा है अभी अपने निकाला वो 3x, अपना
डिवाइड x कितना दे रखा है इन्होंने, तो दे रखा है माइनस वन अपॉन 14। यस सर, x माइनस दिस इज 14 y माइनस 280 इक्वल टू माइनस x प्लस 2। ये एक आंसर आ गया। दूसरे में माइनस टू रख के कर लेना, तो y माइनस y1 तो ये कितना हो गया प्लस 8 हो जाएगा ये। अरे माइनस टू का मैं माइनस एट रख रहा हूँ ना, अरे दिस पॉइंट यस सर माइनस वन अपॉन 14 आपका जो, देखो ये जो नॉर्मल दे रही है ना इसके पहले तो जो स्लोप तो सेम होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इनटू एक्स माइनस एक्स वन 14 वाई प्लस 14 फोर जो कितना होता है 6 + 2, ये आपका आंसर आ गया दूसरा। अरे यस गाइस देखो बहुत सिंपल है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये पहले तो पॉइंट नहीं होता, हम सबसे पहले लेट h कॉमा k पॉइंट करते हैं, तो दैट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन है ना। फिर हमको समझना नॉर्मल, तो पहले हमने क्या किया टेंजेंट का स्लोप निकाला डिवाइड x। अच्छा स्लोप तो उसने लाइन का भी दे रखा है, तो ये टेंजेंट का स्लोप होगा मगर नॉर्मल का क्या होगा माइनस वन अपॉन डिवाइड x होगा। उसको इस माइनस वन अपॉन 14 के इक्वल रख दिया है ना बेटा, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब h जो था वो प्लस माइनस 2 आ गया। k की वैल्यू निकाली ना कट द 2 है ना, तो 2 पॉइंट का क्या था इक्वेशन नॉर्मल सबको पता है, y माइनस y1 माइनस 1 डिवाइड बाय dx x माइनस x। यस 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 सर एकदम सिंपल सा, इसमें टेंशन नहीं लेना। चलो अब देखो एक चीज पढ़ा दो पड़े, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये एक अच्छी चीज है, सब लोग ध्यान सुना, ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता है इसलिए ना। M1 वाला फॉर्मूला है ना। हाँ तो देखो बेटा, अगर एक लाइन है टेंजेंट की y माइनस y1 इनटू डिवाइड बाय dx टू x माइनस x1 है ना, और सपोज यू हैव दूसरी लाइन y माइनस y1, देखो अब ये पॉइंट वही होगा इनटू डिवाइड बाय dx इनटू x माइनस x1 है ना, या जो भी ये पॉइंट है सपोज यहाँ पर y2 ले लो पॉइंट, कंफ्यूजन x2 ले लो। आपको ये याद रखना है कि देखो बेटा ये जो स्लोप था इसमें पॉइंट पुट है ना, तो उनके बीच का एंगल क्या था टेन डेटा इक्वल टू डिवाइड dx 1 माइनस डिवाइड dx 2 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। गाइस ये है गुजरात बोर्ड का तो एकदम प्यारा, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। यस बहुत सिंपल है, बिल्कुल याद नहीं कंफ्यूज मत हो, ये बहुत सिंपल है बेटा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वही की वही है और कुछ भी नहीं है विद द मोड। चलो बेटा इसको एक मिनट कॉपी कर लो, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। Guys, please write down. Done, sir. Good, good.
एवरीबॉडी डन, जिनका होगा एक बार सब प्रेम वो कर लो, मगअप कर लो। डन सर। गेरी मेरा ये M1 M2 और कॉपी कर लो। देखो एक बात सुनो, अगर हम बात करें तो देखो बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की हम बात करेंगे तो वो क्या होता है जल्दी बताओ सब लोग। तो अगर मैं M1 तो माइनस M1 हो गया और M2 मतलब -1/M2 हो गया, यस और नो? तो बेटा ये जो एंगल था M1, अभी अगर अपन बात करें ध्यान सुनो, tan अल्फा तो वो क्या होता है बेटा M1 - M2 / 1 + M1 M2, ये क्या होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल्स हो गया। यस गाइस, अब देखो M1 क्या बेटा -1/M1 - 1/M2 / 1 + -1/M1 - 1/M2। देखो बेटा ये क्या होता है, एक तरह से एलसीएम लेते हो M2 - M1, माइनस को बाहर निकाल दिया, M1 M2 / 1 एलसीएम लेते हैं क्या बेटा, देखो M1 M2 + 1/M1 M2। ये छोटे बच्चों से एलसीएम तो सबको आते ही होगा यार, इसमें मेरे को मत एक्सपेक्ट करो कि मैं बार बार इसको बताऊं, है ना बेटा। तो ये M1 M2 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ गया बेटा M1 - M2, ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज आएगा, अपॉन 1 + M1 M2। अगर मॉड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यस, हमारे पास क्या आ गया बेटा, मगर हमारे पास तो ये तो टेन थीटा ही होता है। अरे यस, ये आप लोगों को याद रखना है कि M1 - M2 और 1 + M1 M2 - M2, ये याद रखना कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा, उनके लिए फॉर्मूला तो नहीं, क्योंकि प्लस माइनस है ना, मॉड है इसलिए। अरे यस यस सर। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने बोला सपोज ट्वेंटी टू क्वेश्चन करो, वो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, मुझे लगा था कि वो टेंजेंट से रिलेटेड है, वो नॉर्मल से रिलेटेड नहीं है। चलो 22 करो तो एवरीबॉडी। सिंपल है ये क्वेश्चन, है मुझे तो एंगल वाला है। चलो बेटा प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन 22। पॉइंट तो गिवन है, कर्व
वो भी गिवन है, बस अब तो डीवाई डीएक्स निकालना है। 2 डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू 4a, डीवाई डीएक्स की वैल्यू यहां क्या हो गई बेटा, 2a अपॉन y। यस गाइस, बेटा ये सब बच्चे ने 22 याद रख लो, ये जे डबल ई का ट्रिक है बहुत प्यारा 11th का। तो डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू हो गई 2a, y की वैल्यू कितनी देगा 280 तो 1/t, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो, अब एक टेंजेंट की इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, क्या होती है बेटा y माइनस y1 इनटू dy बाय dx x माइनस x1, y माइनस y1 इनटू dy बाय dx इनटू x माइनस x1। यस गाइस, this is a very most important formula for the equation of tangent, y t is equal to x plus x minus x plus a t square. Because this is a very most important trick for the parabola. ये सब लोग याद कर लेना लाली, ये exam में as it is आती है, मतलब IIT में। देखो बेटा, हमको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द नॉर्मल। तो देखो, टेंजेंट का पॉइंट दे दिया, हमारा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, कर्व दे दिया और आधा हो गया। अब हमको डिफरेंशिएट करना है 2y डिवाइड dx, डिवाइड dx क्या है 2yy, 2a ऐसे रखा y की वैल्यू, तो इसने यहां पे क्या दे रखी थी 280, तो पुट 280, तो 1/t। याद देखो, पॉइंट जो होता है 80 स्क्वायर का मतलब 280, t पॉइंट बोला जाता है इसको, उसका स्लोप होता है 1/t। अब y माइनस y1 x minus x1 divided by dx, तो y minus y1 x minus x1 divided by dx। yes, कोई प्रॉब्लम नहीं आता? No sir, ये आपका फाइनली आ गया 280 square इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा yt। this is a very most important trick, remember। ये मैं अभी जब yt तो शाम को पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये तो आपको बार बार क्रैम कराऊंगा। अच्छा, now normal, ये again बहुत important हो गया, y minus y1 into minus 1 divided by dx। तो बेटा ये क्या गया y minus 280, अब ये जगह minus t। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, स्लोप जो था 1 by t का माइनस हो जाएगा, अब ये क्या जाएगा y is equal to minus tx plus 280 प्लस 80 क्यूब। हाँ, ये मेरे को याद है ना, इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी एसएमटी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, नॉर्मल के लिए क्या, वाई माइनस वाई वन तो वाई वन हो गया 280, एक्स माइनस एक्स वन तो हो गया 80 स्क्वायर, स्लोप माइनस वन अपॉन तो माइनस वन डी वाई डीएक्स, स्लोप तो था 1/t, तो अब क्या हो जाएगा माइनस टी। उसके बाद तो बेटा कुछ भी नहीं किया है, ये माइनस टी एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस माइनस टी एक्स, ये 280 इधर गया तो प्लस 280, और ये टी का मल्टीप्लाई तो 80। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस गाइज, ये तो आप लोग क्रैम कर लेना है ना, ये रट लेना, ये आईआईटी में बहुत काम आती है दोनों ट्रिक। ये मैं एसएमटी ऐसी बताऊंगा अभी, फिर भी याद रखना है ना। चलो जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 23। चलो 23 को प्यार करो सब लोग। Come on fast guys.
चलो जो क्वेश्चन कराया था वो आ गया। अब ध्यान सुनो, पहले प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स इफ एट केस के। देखो बेटा सुनो, ये कर्व है इसकी, देखो एक कर्व है ये, ध्यान सुनो बेटा, एक मिनट, एक ये कर्व है। नाउ सपोज दिस इज सेकंड कर्व, है ना, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक टेंजेंट इसकी बनेगी, टेंजेंट टी वन, और एक इसकी टेंजेंट बनेगी, है ना। तो क्या होता है, देखो एंगल बिटवीन कर्व क्या होता है, याद रखना एंगल बिटवीन कर्व क्या होता है, क्योंकि तुम भी सोचोगे ना सर एक कर्व ऐसा है तो इनके बीच का एंगल कैसे बनेगा, एंगल तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंगल बिटवीन कर्व क्या होता है, एंगल बिटवीन का क्या होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एंगल बिटवीन द कर्व कुछ होता नहीं, जैसे मैं बोलूं ये दोनों के बीच का एंगल तो ये थोड़ा होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये कुछ नहीं होता। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एग्जैक्टली क्या होता है, एंगल बिटवीन कर्व क्या होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट ही होता है बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, है ना, जिसका फार्मूला मैंने अभी आपको कराया था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यू कैन राइट इन अदर वर्ड्स dy / dx ऑफ फर्स्ट माइनस dy / dx ऑफ सेकंड अपॉन 1 प्लस dy / dx ऑन dy / dx। ओके गाइस, चलो प्लीज राइट डाउन दिस, प्लीज राइट डाउन दिस, क्वाइट इंपॉर्टेंट। Come on, guys. Please write down. एक बार लिखते हो ना तो याद होता है, आप लोग सो रहे हो पलंग पे लेटे हुए हो। सर इसका नोटबुक चेक होगी क्या? हाँ बेटा, नोटबुक कैसे चेक होगी, क्या चेक करोगे, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। नोटबुक, नोटबुक कैसे चेक होगी ये पूछ रहा है। कौन सी नोटबुक? टर्न कॉपी, ये पूछ रहे हैं कि नोटबुक कैसे चेक होगी ये साल। अब देखो बेटा, M1 हमारे पास क्या था? हेलो, हाँ हाँ बेटा बोलो। ऐसे पूछ रहा हूँ नोटबुक कैसे चेक होगी इस साल। कौन सी नोटबुक? अरे सर वो जर्नल, प्रैक्टिकल कॉपी जो हम लिख रहे हैं वो प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं, यही कंफर्म नहीं है तो जनरल कहाँ से चेक होगी। अरे बेटा, अगर लाइन पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट्स है, जैसे एम वन इज इक्वल टू एम टू, तो बोलेंगे हम बोलेंगे कर्व का जो एंगल है वो क्या हो गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, अरे यस, है ना। और अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है तो उससे क्या जाएगा, एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब कर जो होंगे वो क्या परपेंडिकुलर टू इच अदर, है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एंगल बिटवीन देम इज 90। ये याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं, सिंपल सा है। प्लीज राइट डाउन दिस कमांड फास्ट। ये भी एक मिनट कॉपी कर लो पहले। Come on fast. Raise your hand. देखो अब ये ना थोड़ा काम आएगा अपने एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप देखो जो क्वेश्चन था ना अपना, इसको वापस से लेके आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव द कर्व। तो देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, याद रखो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो बेटा ऑफ कर्व, क्योंकि देखो इस पूरे खेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था ना, देखो मैंने वन टू बोला है, ये एक एट कॉमन पॉइंट होना चाहिए, एट वो पॉइंट कॉमन होना चाहिए एच कॉमा के, है ना। देखो ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। देखो ना अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ तुमको कैसे करेंगे। टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये मैं सबकी एमएम बताता नहीं, एमएम में बेटा आजकल तुमको बताया कि मैं एल्गोरिथम लिखा रहा हूँ बोर्ड्स में, लिखना कैसे पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या होगा, ध्यान सुनो। टू फाइंड आउट द एंगल, ये हमको निकालना है ना, तो बेटा देखो ये फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे बेटा, इक्वेट एक्स वाई, है ना, एक्स और वाई। तो दिक्कत इसके अंदर नंबर टू, डिवाइड एक्स फर्स्ट कर्व, डिवाइड एक्स सेकेंड कर्व, थर्ड पॉइंट। ये जो आपने एच कॉमा के कैलकुलेट किया है ना बेटा, इसमें रख दो। एम वन क्या हो जाएगा मालूम है आपका, एच, और एम टू क्या बेटा, ये पॉइंट जो आपने फाइंड आउट ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एच कॉमा के यही सबसे कंफ्यूज वो लेंथली होते हैं बस। उसके बाद तो फिर फोर्थ सीधे सीधे हमने फॉर्मूला लगा दिया क्या बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू M1 minus M2 upon 1 plus M1. Guys, समझे एकदम, चार स्टेप के अलावा पांचवी स्टेप ही नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सेम वही की वही है। प्लीज राइट डाउन दिस एल्गोरिथम। मेरा मेथड कॉपी करो जल्दी से।
Come on fast. कमांड फाइव बोला यही एल्गोरिथम फॉलो करेंगे अपन फोर लाइंस कमांड फाइव डांसर पढ़ लो देखो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना एक्स या वाई को इक्वेट कर देंगे आपस में नंबर टू डिफरेंशिएट करेंगे दोनों इसमें पॉइंट पुट कर देंगे अपन थर्ड में बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो ये एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स या नॉर्मल निकालना है ना यस सर यस और देखो हमारा क्वेश्चन था तो देखो पॉइंट नंबर वन सर ने क्या बताया था पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस तो लेट तो x इज इक्वल टू यहां क्या बेटा y स्क्वायर है ना दूसरा क्या बेटा xy इज इक्वल टू k है तो मैंने ये किया बेटा देखो x की वैल्यू यहां रख दी तो y इज इक्वल टू k हो गया अरे ये x की जो वैल्यू थी ये x की जगह रख दी ना बेटा अरे यस है ना तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो गई 3 की पावर 1 बाय 3 आ गई अरे यस अच्छा इसको वापस रखा तो x की वैल्यू क्या गया बेटा y की वैल्यू k बाय 3 है तो x वैल्यू क्या हो गई k की पावर 2 बाय 3 फिर से समझो देखो बेटा ये कर्व नंबर 1 है ये कर्व नंबर 2 है यहां से x की वैल्यू उठा के यहां रखी तो x इनटू x की वैल्यू यहां उठा तो ये क्या थी y स्क्वायर थी x की वैल्यू क्या थी y स्क्वायर तो y स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू k एज इट इज रखा है ना अब ये y क्यूब था तो उधर जाएगा तो पावर 1 बाय 3 होगा अच्छा ये वैल्यू वापस इसमें रखी तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा k की पावर 2/3 आ गई तो ये हमारे पास जो पॉइंट है